मंत्र 6। विभक्ता चित्रवाणो सिंदूरुर्मा उपाका सद्योदा सुशिक्षरसी। पदार्थ। जैसे हे विविध विद्या युक्त विद्वान मनुष्य, आप समुद्र की तरंगों में जल के बिंदु कणों के समान सब पदार्थ विद्या के अलग अलग करने वाले हैं, और विद्या का ग्रहण व अनुष्ठान करने वाले मनुष्य के लिए समीप सत्यबोध उपदेश को शीघ्र अच्छे प्रकार बरसाते हो, वैसे भाग्यशाली विद्वान आप हम सब लोगों के सत्कार के योग्य हैं। भावार्थ। इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे मनुष्य के जल कण अलग हुए आकाश को प्राप्त होकर इकट्ठे होकर बरसते हैं, वैसे ही विद्वान अपनी विद्या से सब पदार्थों का विभाग करके उनका बार बार मनुष्यों के आत्माओं में प्रवेश किया करते हैं। मंत्र 7। यमग्ने पृत्सुमर्त्यमवावाजे सुयंजुना सयंता शस्वतीरिशः। पदार्थ। हे सेनाध्यक्ष, आप जिस युद्ध करने वाले मनुष्य को सेनाओं के बीच रक्षा करें, जिस धार्मिक शूरवीर को संग्रामों में प्रेरें, जो इस अनादि काल से वर्तमान प्रजा को निरंतर रक्षा करे, इस कारण से सो आप हमारा नियमों में चलाने वाला नायक बुझिए, इस प्रकार हम प्रतिज्ञा करते हैं। भावार्थ। जैसे जगदीश्वर जो अनादि काल से वर्तमान प्रजा है उसकी रक्षा करना और व्यवस्था करने वाला है, वैसे जो मनुष्य इस सर्वव्यापी सब प्रकार की रक्षा करने वाले परमेश्वर की उपासना कर यथोक्त काम करता है, उसको न कभी पीड़ा व पराजय होता है। मंत्र 8। पदार्थ। हे सहनशील विद्वान, जो धर्म की मर्यादा उल्लंघन न करने और सब पर पूर्ण कृपा करने वाले आप, जिस युद्ध करने और शत्रुओं को जीतने वाले शूरवीर पुरुष का श्रवण करने योग्य युद्ध करना होता है, उसको सब उत्तम पदार्थ सदा दिया कीजिए, इस प्रकार आपका नियोग हम लोग करते रहें। भावार्थ। जैसे कोई भी जीव जिस अनंत शुभ गुण युक्त परिमाण सहित सबसे उत्तम परमेश्वर के गुणों की न्यूनता व उसका परिमाण करने को योग्य नहीं हो सकता, जिसका सब जानने ब्रह्म है, वैसे जो मनुष्य वर्तता है वही सब राज कार्यों का स्वामी नियत करना चाहिए। मंत्र 9। सवाजम विश्वचर्षणी रर्वत विरस्तु तरुगा विप्रे विरस्तु शनिता। पदार्थ। जो जिसके सब मनुष्य रक्षा के योग्य, शत्रु निमित्त के दुखों के पार पहुंचाने वाला, ज्ञान और सुख का विभाग करने देने हारा सेनापति, हमारी सेना में बुद्धि चातुर्य युक्त पुरुष घोड़े आदि से सहित हो, हमको युद्ध में विजय की प्राप्ति और शत्रुओं का पराजय कराने हारा सेनापति है, वही हमारे बीच में सेना स्वामी हो। भावार्थ। जो मनुष्यों को सब दुख रूपी सागर से पार करने और युद्ध में विजय देने वाले विद्वान है, वही अच्छे विद्वानों के समागम से सेना का अधिपति होने योग्य है। मंत्र 10। पदार्थ। हे गुण कीर्तन से प्रकाशित होने वाले सेनापति, आप जिससे प्राणी प्राणी के सुख के लिए यज्ञ कर्म के योग्य दुष्टों को रुलाने वाले के लिए सब पदार्थों को प्रकाशित करने वाले देखने योग्य स्तुति समूह गुण कीर्तन को व्याप्त करते हो, इससे माननीय हो। भावार्थ। इस मंत्र में पूर्णोपमा अलंकार है। युद्ध विद्या के जानने वाले के गुणों को श्रवण करे बिना इसका ज्ञान नहीं होता, और जो प्रजा के सुख के लिए अति तीक्ष्ण स्वभाव वाले शत्रुओं के बल के नाश करने हारे भृत्यों को अच्छी शिक्षा कर सकता है, वह प्रजा पालन में योग्य होता है। मंत्र 11। पदार्थ।
मनुष्यों को योग्य है कि जो जिसका धूम ध्वजा के समान बहुतों को आनंद देने, जिसका विमान अर्थात परिमाण नहीं है, अत्यंत गुणयुक्त भौतिक अग्नि है, वह उत्तम कर्म व विज्ञान रूप वेग के लिए हम लोगों को तृप्त करता है। भावार्थ, जो सब प्रकार श्रेष्ठ, किसी के छिन्न भिन्न करने में नहीं आता, सबका आधार, सब आनंद का देने वा विज्ञान समूह परमेश्वर है, और जिसने महागुण युक्त भौतिक अग्नि रचा है, वही उत्तम कर्म व शुद्ध विज्ञान में लोगों को सदा प्रेरणा करे। मंत्र वार है, पदार्थ। हे विद्वान मनुष्य, तुम जो देवों में कुशल, रोग को दूर करने में हेतु, प्रजा को पालने वाला, बहुत प्रकाश युक्त, अत्यंत धन वाले के समान, सबको सुख प्राप्त करने वाला अग्नि है, वेदोक्त स्तोत्रों के साथ सुना जाता है, उसको सुन और हम लोगों के लिए सुनाइए। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जैसे पूर्ण धन वाला विद्वान मनुष्य धन भोगने योग्य पदार्थों से सब मनुष्यों को सुख संयुक्त करता और सबकी वार्ताओं को सुनता है, वैसे जगदीश्वर सबकी की हुई स्तुति को सुनकर उनको सुख संयुक्त करता है। मंत्र 13। नमो महाभ्यो नमो अर्भकेभ्यो नमो युवाभ्यो नमाशिनेभ्यो यजाम देवान्यधिशक्न वामाज्याय सस्सन समावेक्षि देवा। भावार्थ, इस मंत्र में ईश्वर का यह उपदेश है कि मनुष्यों को चाहिए अभिमान छोड़कर अन्नादि से सब उत्तम जनों का सत्कार करें, अर्थात जितना धन पदार्थ आदि उत्तम बातों से अपना सामर्थ्य हो उतना उनका संग करके विद्या प्राप्त करें, किंतु उनकी कभी निंदा न करें। पिछले सूक्त में अग्नि का वर्णन है, उसको अच्छे प्रकार जानने वाले विद्वान ही होते हैं, उनका यहाँ वर्णन करने से 26वें सूक्तार्थ के साथ इस 27वें सूक्त की संगति जाननी चाहिए। यह 27वां सूक्त समाप्त हुआ। 28वां सूक्त। अथ अष्टाविंशम सूक्तम। ऋषि सुनस्येव आदि गर्ति देवता इंद्र यज्ञ सोमाः छंदः अनुष्टुप् गायत्री स्वरः गांधारः षड्जः। मंत्र 1। यत्र गावापृतुबुद्न ऊर्ध्वो भवति सोतवे उलूखलसुतानाम् अवेद्यन्द्रजल्गुलः। पदार्थ, हे सब विद्याओं को प्रकाशित करने वाले विद्वानों, हम लोग पूर्ण विद्यायुक्त विद्वानों के लिए सत्कार अन्न करें और दें। थोड़े गुण वाले विद्यार्थियों के तृप्ति युवावस्था से जो बल वाले विद्वान हैं उनके लिए सत्कार, समस्त विद्याओं में व्याप्त जो बूढ़े विद्वान हैं उनके लिए सेवा पूर्वक देते हुए जो सामर्थ्य के अनुकूल विचार में समर्थ हों तो विद्या आदि उत्तम गुणों से अति प्रशंसनीय विद्वानों को अच्छे प्रकार विद्या ग्रहण करें। इसी प्रकार हम सब जने इनकी स्तुति प्रशंसा को कभी न काटें। पदार्थ, हे ऐश्वर्ययुक्त कर्म के करने वाले मनुष्य, तुम जिन यज्ञ आदि व्यवहारों में बड़ी जड़ का, जो कि भूमि से कुछ ऊंचे रहने वाले पत्थर और मूसल को अन्न आदि कूटने के लिए युक्त करते हो, उनमें उखली मूसल के कूटे हुए पदार्थों को ग्रहण करके उनकी सदा उत्तमता के साथ रक्षा करो और अच्छे विचारों से युक्ति के साथ पदार्थ सिद्ध होने के लिए इसको नित्य ही चलाया करो। भावार्थ, ईश्वर उपदेश करता है कि हे मनुष्यों, तुम यव आदि औषधियों के असार निकालने और सार लेने के लिए भारी से पत्थर में जैसा चाहिए वैसा गड्ढा करके उसको भूमि में गाड़ो और वह भूमि से कुछ ऊंचा रहे, जिससे कि नाज के सार व असार का निकालना अच्छे प्रकार बने। उसमें यव आदि अन्न स्थापन करके मूसल से उसको कूटो। मंत्र 2। यत्र द्वाविव जगनाधिश्वान्याभृता
पदार्थ। हे भीतर बाहर से शरीर साधनों से ऐश्वर्य वाले विद्वान मनुष्य, तुम दो जंघों के समान जिस व्यवहार में अच्छे प्रकार व असार अलग अलग करने के पात्र अर्थात शिलबट्टे होते हैं, उनको अच्छे प्रकार सिद्ध करके शिलबट्टे से शुद्ध किए हुए पदार्थों के सकाश से सार को प्राप्त हो और उत्तम विचार से उसी को बार बार पदार्थों पर चला। भावार्थ। इस मंत्र में उपमा अलंकार है। मनुष्यों को योग्य है कि जैसे दोनों जांघों के सहाय से मार्ग का चलाना सिद्ध होता है, वैसे एक तो पत्थर की शिला नीचे रखें और दूसरा ऊपर से पीसने के लिए बट्टा, जिसको हाथ में लेकर पदार्थ पीसे जाएं। इनसे औषधि आदि पदार्थों को पीसकर यथावत भक्ष आदि पदार्थों को सिद्ध करके खावें। यह भी दूसरा साधन उखली मूसल के समान बनाना चाहिए। मंत्र 3। यत्र नार्य बच्चवम उपच्चवम च शिक्षते उलूकल सुतानम अविद्यं रजलगुलः। पदार्थ। हे इंद्रियों के स्वामी जीव, तू जिस कर्म में घर के बीच स्त्रियां काम करने वाली अपनी संगी स्त्रियों के लिए उक्त उलूखलों से सिद्ध की हुई विद्या को अर्थात जैसे डालना निकालना आदि क्रिया करनी होती है, वैसे उस विद्या को शिक्षा से ग्रहण करती और कराती हैं, उसको अनेक तर्कों के साथ सुनो और इस विद्या का उपदेश करो। भावार्थ। यह उलूखल विद्या जो कि भोजन आदि के पदार्थ सिद्ध करने वाली है, गृह संबंधी कार्य करने वाली होने से यह विद्या स्त्रियों को नित्य ग्रहण करने और अन्य स्त्रियों को सिखाना भी चाहिए। जहाँ पाक सिद्ध किए जाते हों वहाँ से सब उलूखल आदि साधन स्थापन करने चाहिए, क्योंकि इनके बिना कूटना पीसना आदि क्रिया सिद्ध नहीं हो सकती। मंत्र 4। यत्र बन्धं विबध्नते रश्मिन्यमितवायव उलूखल सुतानां अविद्यं रजलगुलः। पदार्थ। हे सुख की इच्छा करने वाले विद्वान मनुष्य, तू जैसे सूर्य अपनी किरणों को व सारथी जैसे घोड़े आदि पशुओं की रस्सियों को जिस क्रिया से सिद्ध होने वाले व्यवहार में व्रत आदि पदार्थों के निकालने के लिए मंथनियों को अच्छे प्रकार बांधते हैं, वहाँ उलूखल से सिद्ध हुए पदार्थों को वैसे ही सिद्ध करने की इच्छा कर और उसी विद्या को युक्ति के साथ उपदेश कर। भावार्थ। इस मंत्र में उपमा अलंकार है। ईश्वर उपदेश करता है कि विद्वानों, जैसे सूर्य अपनी किरणों के साथ भूमि को आकर्षण शक्ति से बांधता और जैसे सारथी रश्मियों से घोड़ों को नियम में रखता है, वैसे ही मथने बांधने और चलाने की क्रिया से दूध आदि व औषधि आदि पदार्थों से मक्खन आदि पदार्थों को युक्ति के साथ सिद्ध करो। मंत्र 5। यच्चिद्दित्वं गृहे गृह उलूखल गयुज्यसे यद्युमद्धमं वद जयतामि वदुन्दुभिः। पदार्थ। हे उलूखल से व्यवहार लेने वाले विद्वान, तू जिस कारण प्रसिद्ध घर घर में उक्त विद्या का व्यवहार वर्तता है, इस संसार ग्रह व स्थान में शत्रुओं को जीतने वालों के नगारों के समान जिसमें अच्छे शब्द निकलें, वैसे उलूखल के व्यवहार को इस विद्या का उपदेश करें। भावार्थ। इस मंत्र में उपमा अलंकार है। सब घरों में उलूखल और मूसल को स्थापन करना चाहिए, जैसे शत्रुओं के जीतने वाले शूरवीर मनुष्य अपने नगरों को बचाकर युद्ध करते हैं, वैसे रस चाहने वाले मनुष्यों को उलूखल में यव आदि औषधियों को डालकर मूसल से कूटकर भूसा आदि दूर करके सार सा लेना चाहिए। मंत्र 6। उदस्मते वनस्पते वातो हि वात्यग्रमेत अतो इन्द्राय पातवे सुनु सोमम उलूखला। पदार्थ। हे विद्वन, जैसे वायु ही वृक्ष आदि पदार्थों के ऊपरले भाग को भी अच्छे प्रकार पहुँचावा पहुँचेगा, इसके अनंतर
प्राणियों के लिए सब औषधियों के सार को पान करने को सिद्ध करता है, वैसे उखरी में यव आदि औषधियों के समुदाय के सार को सिद्ध कर। भावार्थ। इस मंत्र में वाचक् लुप्तोमालंकार है। जब पवन सब वनस्पतियों औषधियों को अपने वेग से स्पर्श कर बढ़ाता है, तभी प्राणी उसको उलूखल में स्थापन करके उनका सार ले सकते और रस भी पीते हैं। इस वायु के बिना किसी पदार्थ की वृद्धि व पुष्टि होने का संभव नहीं हो सकता। मंत्र सात। आयुजीवा जसा तमा तायुच्चा विजर्भृतः हरि बांधा जीवत्सता। पदार्थ। जो अच्छे प्रकार पदार्थों को प्राप्त होने वाले संग्रामों को जीतते हैं, वे स्त्री पुरुष अन्नों को खाते हुए घोड़ों के समान उलूखल आदि से जो अति उत्तम काम है उनको अनेक प्रकार से सिद्ध कर धारण करते हैं। भावार्थ। इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जैसे खाने वाले घोड़े रथ आदि को बहते हैं, वैसे मूसल और उखरी से पदार्थों को अलग अलग करने आदि अनेक कार्यों को सिद्ध करते हैं। मंत्र आठ। तारो अद्य वनस्पति ऋष्वा वृष्वे विसोत्रिवे इंद्राय मधुमत्सुतम्। पदार्थ। जो रस खींचने में चतुर बड़े विद्वानों ने अति स्थूल काठ के उखले मूसल सिद्ध किए हों, तो जो हमारे ऐश्वर्य प्राप्त कराने वाले व्यवहार के लिए आज मधुर आदि प्रशंसनीय गुण वाले पदार्थों को सिद्ध करने के हेतु होते हैं, वे सब मनुष्यों को साधने योग्य हैं। भावार्थ। जैसे पत्थर के मूसल और उखरी होते हैं, वैसे ही काष्ठ लोहा पीतल चांदी सोना आदि तथा औरों के भी किए जाते हैं। उन उत्तम उलूखल मूसलों से मनुष्य औषध आदि पदार्थों के अभिशव अर्थात रस आदि खींचने के व्यवहार करें। मंत्र नो। उच्चिष्टम चम्बुर्वर सोमं भवित्रा। पदार्थ। हे विद्वान, तुम पैदल और सवारों की सेनाओं के समान शिक्षा करने योग्य सर्व रोग विनाशक बल पुष्टि और बुद्धि को बढ़ाने वाले उत्तम औषधि के रस को उत्कृष्टता से धारण कर उससे दो सेनाओं को उत्तम कीजिए। पृथ्वी के ऊपर अर्थात उसकी पीठ पर उन सेनाओं को स्थापन करो। भावार्थ। राजपुरुषों को चाहिए कि दो प्रकार की सेना रखें, अर्थात एक तो सवारों की दूसरी पैदलों की। उनके लिए उत्तम रस और शस्त्र आदि सामग्री इकट्ठी करें। अच्छी शिक्षा और औषधि देकर शुद्ध बल युक्त और निरोग कर पृथ्वी पर एक चक्र राज्य नित्य करें। 27वें सूक्त से अग्नि और विद्वान जिस जिस गुण को कहे हैं, वे मूसल और उखरी आदि साधनों को ग्रहण कर औषध्यादि पदार्थों से संसार के पदार्थों से अनेक प्रकार के उत्तम उत्तम पदार्थ उत्पन्न करें। इस अर्थ का इस सूक्त में संपादन करने से 27वें सूक्त के कहे हुए अर्थ के साथ 28वें सूक्त की संगति है, यह जानना चाहिए। यह 28वां सूक्त समाप्त हुआ। 29वां सूक्त। अथ एकोनत्रिंशम् सूक्तम्। ऋषिः सुनस्येप आजीगर्तिः देवता इन्द्रः छन्दः पंक्तिः स्वरः पञ्चमः। मंत्र एक। पदार्थ। हे उत्तम पदार्थों की रक्षा करने वाले अनेक प्रकार के प्रशंसनीय धनयुक्त अविनाशी स्वरूप उत्तम ऐश्वर्य प्रापक न्यायाधीश, आप जो कभी हम लोग अप्रशंसनीय गुण सामर्थ्य वालों के समान हों, तो हम लोगों को असंख्यात अच्छे सुख देने वाले पृथ्वी इंद्रियां व गोबैल घोड़े आदि पशुओं में ही प्रशंसा वाले कीजिए। भावार्थ। इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जैसे आलस्य के मारे अश्रेष्ठ अर्थात कीर्ति रहित मनुष्य होते हैं, वैसे हम लोग भी जो कभी हों
तो हे न्यायाधीश, हम लोगों को प्रशंसनीय पुरुषार्थ और गुण युक्त कीजिए, जिससे हम लोग पृथ्वी आदि राज्य और उत्तम बहुत उत्तम हाथी घोड़े गौ बैल आदि पशुओं को प्राप्त होकर उनका पालन व उनकी वृद्धि करके उनके उपकार से प्रशंसा वाले हों। मंत्र दो। पदार्थ। हे प्राप्त होने योग्य प्रशंसनीय ऐहिक व पारमार्थिक सुखों के देने हारे बहुविध प्रजा व कर्म युक्त बड़े बड़े युद्धों के पालन करने और अनेक प्रकार के प्रशंसनीय विद्याधन युक्त परमेश्वरीय सहित सभाध्यक्ष जी, जो आपकी वेद विद्यायुक्त वाणी सहित क्रिया है, उससे आप हजार हैं शोभन विमान आदि रथवा उनके उत्तम साधन सत्य भाषण और शस्त्र की शिक्षा सहित वाक आदि इंद्रियां तथा वेग आदि गुण वाले अग्नि आदि पदार्थों से युक्त घोड़े आदि व्यवहारों में हम लोगों को अच्छे गुण युक्त कीजिए। भावार्थ। मनुष्यों को इस प्रकार जगदीश्वर की प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान, कृपा करके जैसे न्यायाधीश अत्युत्तम राज्य आदि को प्राप्त कराता है, वैसे हम लोगों को पृथ्वी के राज्य सत्य बोलने और शिल्प विद्या आदि व्यवहारों को सिद्ध करने में बुद्धिमान नित्य कीजिए। मंत्र तीन। पदार्थ। हे अनेक प्रकार के धन युक्त अविद्या रूपी निद्रा और दोषों को दूर करने वाले विद्वान, जो जो विषयाशक्ति अर्थात खोटे काम व प्रमाद अच्छे कामों के विनाश को दिखाने वाले वा बोध निवारक शरीर और मन शयन और पुरुषार्थ का नाश करते हैं, उनको आप अच्छे प्रकार निवारण कर दीजिए। फिर हजारों प्रशंसनीय गुण वाले पृथ्वी आदि पदार्थ व वस्तु वस्तु में रहने वाले अग्नि आदि पदार्थों में हम लोगों को अच्छे गुण वाले कीजिए। भावार्थ। मनुष्यों को शरीर और आत्मा के आलस्य को दूर छोड़ के उत्तम कर्मों में नित्य प्रयत्न करना चाहिए। मंत्र चार। पदार्थ। हे विद्या स्वर्ण सेना आदि धनयुक्त शत्रुओं के बल को नष्ट करने वाले सेनापते, आपके जो दान आदि धर्म से रहित शत्रुजन हैं वे सो जावें, और जो दान आदि धर्म के करता हैं वे जागृत होकर शत्रु और मित्रों को जाने। फिर हे अत्युत्तम ऐश्वर्ययुक्त सभाध्यक्ष सेनापते वीर पुरुष, तू हजारे अच्छे अच्छे गुण वाले गोवा घोड़े हाथी स्वर्ण आदि धनों में हम लोगों को शत्रुओं के विजय से प्रशंसा वाले करो। भावार्थ। हम लोगों को अपनी सेना में शूर ही मनुष्य रखकर आनंदित करने चाहिए, जिससे भय के मारे दुष्ट और शत्रुजन जैसे निद्रा में शांत होते हैं वैसे सर्वदा हों, जिससे हम लोग निष्कंटक अर्थात बेखटके चक्रवर्ती राज्य का सेवन नित्य करें। मंत्र पांच। पदार्थ। हे सभाध्यक्ष, तू गधे के समान हमारे पीछे पाप रूप मिथ्या भाषण से युक्त गवाही और भाषण आदि कपट से हम लोगों की स्तुति करते हुए शत्रु को अच्छे प्रकार दंड दे। फिर हे बहुत से विद्या व धर्म रूपी धन वाले न्यायाधीश, तू हजार है शुद्ध भाव व धर्मयुक्त व्यवहारों से ग्रहण किए हुए पृथ्वी आदि पदार्थ व हाथी घोड़ा आदि शत्रुओं के निमित्त हम लोगों को सच्चे व्यवहार बरतने वाले अपराध रहित कीजिए। भावार्थ। इस मंत्र में वाचक् लुप्तोमालंकार है। जो सभा स्वामी न्याय से अपने सिंहासन पर बैठकर जैसे गधा रूखे और खोटे शब्द के उच्चारण से
औरों की निंदा करते हुए जन को दंड दे और जो सत्यवादी धार्मिक जन का सत्कार करे, जो अन्याय के साथ औरों के पदार्थ को लेते हैं उनको दंड दे के जिनका जो पदार्थ हो वह उसको दिला देवे। इस प्रकार सनातन न्याय करने वालों के धर्म में प्रवृत्त पुरुष का सत्कार हम लोग निरंतर करें। मंत्र 6। वदाति गुंडिना च दूरं वादो वनादधि आतो न इन्द्र संशय घोष्वस्येषु सुभ्रिषु सहस्रेषु दुविमग। पदार्थ। हे अनेक विध धनों को सिद्ध करने हारे सर्वोत्कृष्ट विद्वान, आप जैसे पवन कुटिल गति से जगत और सूर्य की किरणों से ऊपर व इनके नीचे से प्राप्त होकर आनंद करता है, वैसे बारंबार हजार है वेग आदि गुण वाले घोड़े आदि पृथ्वी इंद्रिय किरण और चौपाए शुद्ध व्यवहारों सब प्राणियों और अप्राणियों को सुशोभित करता है, वैसे हमको प्रशंसित कीजिए। भावार्थ। इस मंत्र में वाचक उपमालंकार है। मनुष्यों को ऐसा जानना चाहिए जो यह पवन है वही सब जगह जाता हुआ अग्नि आदि पदार्थों से अधिक कुटिलता से गमन करने हारा और बहुत से ऐश्वर्य की प्राप्ति तथा पशु वृक्षादि पदार्थों के व्यवहार उनके बढ़ने घटने और समस्त वाणी के व्यवहार का हेतु है। मंत्र 7। सर्वं परिक्रोशं जयजं भयात्रि कदास्वं आतो न इन्द्र संशय घोष्वस्येषु सुभ्रिषु सहस्रेषु दुविमग। पदार्थ। हे अनंत बल रूप धनयुक्त सब शत्रुओं के विनाश करने वाले जगदीश्वर, आप जो हमारे अनेक शुद्ध कर्मयुक्त व्यवहार व पृथ्वी के राज आदि व्यवहार तथा घोड़े आदि सेना के अंगों में विनाश का करने वाला जो व्यवहार हो उस सब प्रकार से रुलाने वाले व्यवहार को विनष्ट कीजिए तथा जो हमारा शत्रु हो उस दुख देने वाले को भी विनाश को प्राप्त कीजिए। इस रीति से फिर हम लोगों को शत्रुओं से पृथक कर सुखयुक्त कीजिए। भावार्थ। मनुष्यों को इस प्रकार जगदीश्वर की प्रार्थना करनी चाहिए कि हे परमात्मन, आप हम लोगों में जो दुष्ट व्यवहार अर्थात खोटे चलन तथा जो शत्रु हैं उनको दूर कर हम लोगों के लिए सकल ऐश्वर्य दीजिए। पिछले सूक्त में पदार्थ विद्या और उसके साधन कहे हैं। उनके उपादान अत्यंत प्रसिद्ध कराने हारे संसार के पदार्थ हैं जो कि परमेश्वर ने उत्पन्न किए हैं। इस सूक्त में उन पदार्थों से उपकार ले सकने वाली सभाध्यक्ष सहित सभा होती है, उसके वर्णन करने से पूर्वोक्त 28वें सूक्त के अर्थ के साथ इस 29वें सूक्त के अर्थ की संगति जाननी चाहिए। यह 29वां सूक्त समाप्त हुआ। 30वां सूक्त। अथ त्रिंशम सूक्तम ऋषि सुनसेप आजी गर्ति देवता इंद्र अश्विनौ उषा छंद गायत्री पादनित्रित गायत्री त्रिष्टु स्वर षड्ज धैवत। मंत्र। आव इंद्रम कृविम्यता वाजयंत शतक्रतुम महिष्टम सिंचयिन्दुभिः। पदार्थ। हे सभाध्यक्ष मनुष्य, जैसे खेती करने वाले किसान कुएं को खोद प्राप्त होकर उसके जल से खेतों को सींचते हैं और जैसे वेगयुक्त वायु जलों से जिससे अनेक कर्म होते हैं बड़े सूर्य को सींचते, वैसे तू भी प्रजाओं को सुखों से अभिषिक्त कर। भावार्थ। इस मंत्र में उपमालंकार है। जैसे मनुष्य पहले कुएं को खोदकर उसके जल से स्नान पान और खेत बगीचे आदि स्थानों के सींचने से सुखी होते हैं, वैसे ही विद्वान लोग यथा योग्य कला यंत्रों में अग्नि को जोड़ के उसकी सहायता